रुद्रपुर में आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आंगनवाड़ी वर्करों का कहना था कि उनको राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ ही 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए माह वेतन दिया जाए। इसके साथ ही रिटायरमेंट होने पर 2,00,000 रुपए का प्रावधान रखा जाए, जिससे कि वह अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सके। इसके तहत ही दो और अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी संघ के प्रदेश महामंत्री रंजीत अरोड़ा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा पिछले लंबे समय से सरकार को ज्ञापन भेजे गए हैं और सचिवालय तक कुछ भी किया गया, लेकिन उन ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अब उनको मजबूरन कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हमारा मेन जो धरने पर बैठने का उद्देश्य है वह हमारी न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन और 18,000 रुपये मासिक हमको दी जाए, जो कि इस वक्त जो हमें प्राप्त हो रही है वो 9,300 रुपये है, जो आजकल की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। और दूसरी मांग हमारी है कि जैसे ही हमारी मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का जो प्रमोशन हुआ है उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगने वाली है अतिशीघ्र उनको नियुक्ति दी जाए। तीसरी मांग हमारी है कि गोल्डन कार्ड बनाया जाए जिससे हमारी सभी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। चौथी मांग हमारी यह है कि जैसे ही हम लोग रिटायर होते हैं 60 वर्ष की आयु पूर्ण करके, तो उसमें क्या है हम लोगों को कुछ किसी भी प्रकार की एक मुक्त धनराशि नहीं दी जाती। हम चाहते हैं कि कम से कम 2,00,000 रुपए प्रति वर्कर हेल्पर को दी जाए।